है। देखो ये है एक्सीलेटर वायर, पहले मैं आपको ये देखिए वायर खराब हो रखी है ठीक है, और ये हमारे पास एक्सीलेटर वायर है रॉयल इनफील्ड के जेंटलमैन। तो सबसे पहले हमें सीट के नीचे एक बोल्ट होता है यहाँ पर, ये वाला मैंने खोल रखा है, इसके बाद सीट को ऊपर को उठाना है इस तरीके से, फिर उसके बाद यहाँ पे दो 10 नंबर के बोल्ट होते हैं उसको खोल देंगे, उसका टंकी का पाइप निकाल देंगे, और टंकी को किस तरह बाहर निकालना है वो देखिए मेथड देखिए आप, टंकी को पहले ये इस तरीके से कि टंकी के ऊपर कहीं निशान भी ना लगे और टंकी बहुत आराम से बाहर आ जाए, और ये देखिए टंकी बाहर आ गई ठीक है। अब दूसरा काम क्या करना है आपको, क्या है आपको यहाँ के जो पेच होते हैं आप आराम से इजी देख सकते हैं ठीक है, उसके पेच बाहर निकाल दें, और इसको यहाँ पे ऊपर हुक होता है, मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के बाहर, ऐसे बाहर निकाल दें, ये हुक रहा ठीक है, और ये वायर है, वायर देखिए ज़्यादातर क्या होता है ऊपर की साइड से टूटती है, हम आपको दिखा दें कहाँ से, ये देखिए, और ये वायर किस जगह से टूटी मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन करके कोशिश करता हूँ, यहाँ से देखिए बीच में एक जॉइंटर होता है, ये जॉइंटर है, यहाँ से वायर टूट जाती है ज़्यादातर ठीक है, और टंकी इसलिए खोली क्योंकि देखिए जॉइंट के पास बेल्ट बंधी है, ये बेल्ट बंधी है तो वायर ऐसे निकल नहीं पाती, टंकी इसीलिए खोलनी पड़ती है, और इसके बाद टंक कैसे निकालना है देखते हैं। देखिए ये होता है हमारा TPS स्विच, वायर दो जगह कनेक्ट रहती है, एक वायर हमारा TPS स्विच में रहती है, यहाँ पे भी 10 नंबर के बोल्ट रहेंगे, इसको ईजी आप यहाँ से निकाल दें ठीक है, और दूसरी हमारी ये कार्बोरेटर में देख सकते हैं ये रही देखिए ठीक है, तो ये दोनों जगह से वायर बाहर निकाल लेते हैं बहुत ईजी, आप आराम से दोनों साइड में एडजस्टर ही रहते हैं, देखिए मैं इसको निकाल के दिखा देता हूँ, एक ये निकल गई देखिए, इसी तरीके से दोनों जगह से वायर निकाल दें, और इसके बाद आगे ऊपर की साइड से कैसे निकालने वो देखते हैं। दोस्तों यहाँ से वायर निकालने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एम्पियर मीटर का सॉकेट बाहर निकाल दें, क्योंकि अगर हम इग्निशन ऑफ कर देते हैं फिर भी हमारी जो वायर है एम्पियर मीटर में टच रहती है, करंट यहाँ तक का कंटिन्यू रहता है, तो हमें पहले इग्निशन ऑफ करना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो रबर है इस रबर को बाहर निकाल दें, और इसके बाद इस रबर के अंदर से यहाँ से निकाल दें, और यहाँ मैंने नीचे सॉकेट निकाल रखा है, और ये वायर को नीचे की साइड से देखिए ऐसे निकाल दें, और ये एम्पियर मीटर का सॉकेट है, इसको आप आराम से इसे निकाल दें, और वायर उधर की साइड से देखिए ये बाहर आ गई, तो आप ये देख सकते हैं एक्सीलेटर वायर, और इसी मेथड से आप बिल्कुल इजी आराम से डाल सकते हैं। चलिए हम दिखाते हैं पॉइंट आपको कैसे डालते हैं। तो अभी मैंने बिल्कुल एक्सीलेटर वायर फिट कर दिया, और फिट करने में कोई इजी नहीं है, बस मेन है आपको निकालना कैसे है, देखिए ये यहाँ पर फिट कर दिया, जैसे आप खोलेंगे सिंपल उसी तरीके से फिट कर देनी है ठीक है। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, देखिए वायर जो यहाँ से नीचे की साइड में रहना चाहिए वायर, और यहाँ पे ये वायर है, और आजकल जो BS4 या नए मॉडल जितने भी हैं उसके अंदर देखिए यहाँ पे क्लिप दे रखा है, इसको निकाल के इजी आराम से इससे जॉइंट कर सकते हैं, और ये दो वायर गई, ये एक्सीलेटर में गई, और ये हमारा TPS स्विच में गई। तो मेक श्योर आपको पता चल गया होगा किस तरीके से एक्सीलेटर वायर फिट की जाती है, और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मेरे को आप बताइए, कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बना के बिल्कुल इजी, मतलब कैसे आप बिल्कुल बिना किसी भी चीज़ को खोले फिट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।